दमोह में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रहा एम्बुलेंस उफनते नाले पर फंस गया। ग्रामीणों ने एसडीआरएफ की मदद से बांस की खाट बनाकर महिला को पुल पार कराकर अस्पताल पहुंचाया। दमोह में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रास्ता बंद होने के कारण एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस पुल पर फंस गई। पुल पर पानी के तेज बहाव के चलते एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई। ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वायरल वीडियो कलेक्टर सुधीर कुमार तक पहुंचा। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत स्थानीय एसडीएम राकेश मरकाम और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीआरएफ की मदद से महिला को खाट पर लेटाकर नाला पार कराया और फिर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। न्यूज से पता चला कि एक महिला जिसका पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है और नाला उफान होने के कारण वो प्राइमरी सेंटर या फिर सीएच खाना नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी सूचना मैंने तुरंत एसडीएम साहब से और अपने स्वास्थ्य अमले को दी और सभी एकजुट होकर आए और उसको रेस्क्यू करके एम्बुलेंस के माध्यम से सीएच हटा पहुंचाया गया है। महिला अभी प्राइमरी ठीक है और बाकी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद। एसडीएम राकेश मरकाम ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मामले की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तत्काल मौके पर एसडीआरएफ टीम के साथ पहुंचकर महिला को अस्पताल पहुंचाने का उपाय निकाला। ग्रामीणों की मदद से चारपाई बनाकर उस पर महिला को लिटाकर नाला पार कराया गया। मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। महिला अस्पताल में भर्ती है और उसकी स्थिति पहले से बेहतर है। महिला डॉक्टर की देखरेख में है। मीडिया के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक गर्भवती महिला जो कि ग्राम पाटल की निवासी है, वो प्रसव पीड़ा में थी और अतिवृष्टि हो जाने के कारण यहाँ पर नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वो गांव में फंस गई थी। तो उसमें तत्काल जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसडीआरएफ की टीम, राजस्व की टीम, मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग की टीम, ये हम लोग यहाँ पर पहुँचे और उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। अभी उसकी प्रारंभिक जाँच की जा रही है, जहाँ पर वो महिला स्वस्थ। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।